बैक साइड पे ये देखें ब्लैक 10 लिखा हुआ नजर आ रहा है, भर के भेजा उन्होंने। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं जो है अभी काम से फ्री होकर घर आ चुका हूँ, इस वक्त बाहर खड़ा हूँ, बारिश हो रही है, बड़ा मज़े का मौसम बना हुआ है। और मैं जो खड़ा हूँ आपको शायद मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे बॉक्सेस से बने हुए, ये बॉक्सेस जो है ना ये बेसिकली पार्सल वाले बॉक्सेस है, मतलब कि इधर पार्सल रख के इसको पासवर्ड लगा दिया जाता है, उसके बाद जो है वो आप किसी भी वक्त आके खोल के अपना जो है ना पार्सल निकाल सकते हैं, आपको स्पेशल जो बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हर कम्युनिटी में हर एरिया में जो मौजूद होते हैं ये, तो ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ है। तो अभी जो है यहाँ से मैं निकालूंगा अपना पार्सल और उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि उस पार्सल में क्या है। ये देखें जी यहाँ पे है, इसको क्लिक करके ओपन किया, हम पासवर्ड लगा देते हैं 105। ये देखें जी ये इतना बड़ा बॉक्स है, ये मैंने ले लिया इधर से, अभी चलते हैं घर और घर चल के इसको करते हैं अनबॉक्स। घर में पहुंच रहा हूँ लेके इसको, इसको भी रखते हैं इधर टेबल के ऊपर, और उसके बाद ये सारे और भी चीज़ें मैं निकाली, और अभी जो है ना पहले मैं ये सब कुछ रख के फ्री हो जाऊँ, और उसके बाद जो है ना फिर फ्री होकर मैं करता हूँ। फ्रेश होकर मैं आ चुका हूँ और इस वक्त जो है ना मेरे सामने बहुत एक्साइटेड हूँ, बस इसको करते हैं शुरू, इसको ओपन करते हैं, और गर्मी बहुत है, इवन ए सी भी चला हुआ इसके बावजूद जो पसीना आ रहा है, कुछ एक्साइटमेंट से आ रहा है, कुछ वैसे ही पसीना आ रहा है गर्मी की वजह से। तो चैलेंज इसको करते हैं स्टार्ट, इसको ओपन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं इसमें क्या। मैंने खोल तो लिया, अब मैं आपको बताऊं कि ये है क्या। ये है जनाब GoPro Hero 10 कैमरा, और इसमें अब जो एक्सेसरीज आई हैं वो दिखाता हूँ, ये चेक करें, और अभी इसको साइड पे रख के एक एक करके जो है इसको निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें क्या कुछ भेजा उन्होंने, क्या कुछ। सबसे पहले ये चीज़ भेजी है, ये आप गले में लगा के हैंग करके मतलब कैमरा जहाँ आप कहीं लॉक करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे जहाँ आपने दोनों हाथों का यूज़ करना हो तो वहाँ आपको इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह गले में लगा के डॉक्टर बन के तो आप इसको इस तरह लगा के ब्लॉग कर सकते हैं, और इसको बंद करते हैं साथ साथ बंद भी करते जाएंगे, इसी के ऊपर जो है मैट वगैरह साथ में सारा जो लगाने के लिए यूज होंगे ये भी इसी के ही है, और इसको आप रखते हैं इसके अंदर। अच्छा जी इसको मैं उधर साइड पर करता जाऊँगा। एक चीज़ आई है ये तो है स्टैंड, अगर आपके पास गाड़ी है आप गाड़ी में या आप वैसे किसी जगह पर रख के उसकी ब्लॉगिंग आप टेबल वगैरह पे किसी पे जाके शीशा हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वो है जो फीचर्स लगा होता है ना प्लास्टिक टाइप, ये मतलब क्लिप्स है, ये अगर ही स्टक हो जाता है इस तरह तो पता नहीं, इसको यूज़ करना पड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर इसको मैं मजीद खोल दूँगा। सब गाड़ी पे या बाइक वगैरह पे अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसकी स्क्रीन पर लगा के। अच्छा आगे आ गई ये चीज़, ये आई थिंक जो है ना ये हाथ के लिए, मतलब आप बाजू के ऊपर अगर आप रख के इसको यूज़ कर सकते हैं तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं हाँ यस नो क्या चीज़, क्योंकि आप मतलब के हैंगिंग कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं इस तरह की ब्लॉगिंग है तो कुछ भी है जहाँ पे। नेक्स्ट जो तो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना वो वन ऑफ माई फेवरेट, आई मीन के मैं मुझे वो चाहिए थी ये चीज़, ये डिब्बे में बंद है, इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये है इसका बेसिकली जो है ना वो आप कह सकते हैं कि वाटरप्रूफ, वैसे भी ये वाटरप्रूफ है लेकिन इसका जो है ना डबल वाटरप्रूफ आप कह सकते हैं इसके साथ हो जाएगा, तो ये इसका कवर है बता जाए पूरा, ये देखें ये इसका कवर है, आप इसके अंदर GoPro को रखें और जहाँ मर्जी ले जाएं पानी में बारिश में जैसे मर्जी, कोई इशू नहीं, बिल्कुल पानी का जो है ना वो खतरा ही ख़त्म हो जाएगा इससे, तो ये उसको मजीद मतलब कि प्रोटेक्टिव कर देता है। इवन ये GoPro आई थिंक खुद भी जो है वो 30 मीटर तक शायद या कितनी उसकी अपनी भी है, और इसके साथ उसकी रेंज मजीद बढ़ जाती है, तो ये बेस्ट है। इस तरह से टाइम बहुत ज़्यादा, तो मैं साथ साथ जो है वो उसको रखता जाऊँगा, बाद में कुछ पैक करूँगा। अब आ गई ये नेक्स्ट चीज़, ये क्या चीज़ है इसको भी देखते हैं, चीज़ें काफ़ी उन्होंने मतलब कि उसमें हैं पैकेजिंग में कम है, लेकिन अभी क्या है ये खोल के ही पता चलेगा, ये रिस्क के लिए, हाँ ये नज़र आ रहा है ये रिस्क के लिए, आपको इस तरह मतलब जो है इसको लगा के रिस्क के ऊपर, ठीक है, उसके बाद इसको जो मुझे पता है आप GoPro का वेट कर रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा सबर, और वो दिखाऊँ ये चेस्ट के लिए फ्रंट के लिए, मतलब आप इसको इधर लगा सकते हैं, इसके साथ ये बेल्ट बने हैं, आप इसको बकायदा इस तरह लगा के सामने इसकी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इसके साथ ये इसके बाकी पुर्जे हैं, वो पुर्जे बोला जाएगा उसका बोल सकते हैं, देखा जैसे फिर इसके अंदर से घूम के ये
इस तरह से ये लग जाएगा इसके ऊपर बाजू के ऊपर। उसके बाद आप इसे अंदर लॉगिन कर सकते हैं कहीं भी आ रहे हैं इस तरह करके, इसके बाद ईजी। ये बहुत फिट है, अच्छी चीज़ है। इसको भी रखते हैं ऐसे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, ये चेक करें। बात ये चीज़ है, एक हुक टाइप बनी हुई है, ये हुक है। आप मतलब किसी चीज़ के ऊपर इसको लगा सकते हैं, उससे मतलब ईजी होती है लगे चीज़। किसी भी तरफ आप टेबल पे या कहीं पे भी आ। उसके बाद ये आ गया इसका कवर, ये साथ में कवर भेजा, इसको खोलने की जरूरत नहीं। ये प्लास्टिक का कवर है, अच्छा कवर है, इसको मैं थोड़ी देर लगाता हूँ। ये स्टैंड आ गया, ये दिखाते हैं आपको। GoPro का ओरिजिनल स्टैंड है, ये आप चेक करें। ये इसका सेल्फी स्टैंड है, आप इसके मतलब व्लॉगिंग कर सकते हैं, सेल्फी लगा ले सकते हैं। जो भी GoPro का ओरिजिनल है ना, वो एक नंबर वाला स्टैंड है। ये आ गया जनाब नेक्स्ट। ये हैं इसकी बैटरीज, जहाँ तक मुझे नज़र आ रही हैं, ये भेजी हैं उन्होंने बैटरीज इसके साथ। हाँ जी, ये बैटरी ही लग रही है, रिचार्जेबल बैटरी। और इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कितनी बैटरी का समय इसका। एक बैटरी है, और आई थिंक एक और भी शायद हो, कंफर्म था। ये एक बैटरी भेजी है इसके साथ, एक्स्ट्रा नहीं आई थिंक। और ये बैटरी जो है 1720 मिली एम्पेयर की ये बैटरी है इसके अंदर, जो साथ उन्होंने एक्स्ट्रा भेजी है। तो इसको लगाते हैं अभी वापस जैसे की वैसे ही, और इसको भी कर देते हैं इसी के अंदर। और ये एक और डब्बा है, ये ऊपर से तो वाइट है, अंदर क्या है इसके खोल के पता चलेगा। अच्छा, इसके अंदर ये है, ये भी कोई स्टैंड ही है। क्या स्टैंड है इसकी, क्या कहते हैं, इसके साथ में हुक्सी भी है एक। ये हुक तो सारी वो जो कैमरे के साथ होती है। अच्छा, ये ट्राईपॉड है, ठीक ठीक ठीक। ये देखें, ये ट्राईपॉड है इसका, तो ये बेसिकली ट्राईपॉड है इसका। तो ये बंद करते हैं ट्राईपॉड, और उसके साथ इसका स्क्रू है। तो आ जाते हैं इस पर, तो ये भी इसका जो है वो स्टैंड ही है। ये भी GoPro का ओरिजिनल जेन्युइन जो है वो स्टैंड है इसके साथ। ये चेक करें जी, इसके अंदर ये बड़ा सॉफ्ट सा है, बड़ा बेहतरीन है। तो इसके ऊपर आई थिंक डायरेक्ट वो फिट आ जाता है, इसको इसका पकड़ के इसके साथ ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ओपन शोपन वाला इसमें सीन नहीं है, बाहर निकलने के लिए। ये एक और बैटरी है इसके साथ, ये भी आपने देखी है, ये मतलब सेम ही जो है ना दोनों बैटरी हैं, इसकी भी और ये भी। और ये दोनों जो वो 1700 समथिंग जो बताई थी इतनी ही है, तो इसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर, ये है हमारी मेन, अब डब्बा हो गया खाली, तो इसको करते हैं ओपन। मैं आपको बोला था ये मैं आपको एंड पर दिखाऊँगा, ठीक है जी। तो अभी इसको कर लेते हैं ओपन, वो प्रोटेक्ट करके रखा है इसको हमें। इसके अंदर भी चीज़ें हैं, इसके साथ भी कुछ चीज़ें जो है ना उन्होंने एक्स्ट्रा में भेजी हैं। ये नहीं कि इसके अभी तक ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म नहीं हो गई तो बाकी है। अब ये देखें जी, अब अंदर आ गए, ये जो है ना ये इसके साथ एक्स्ट्रा, इसके अंदर भी कुछ एक्सेसरीज होंगी। ये GoPro का मेन डब्बा, पहले ये देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये है कार्ड रीडर, USB कार्ड रीडर जो होता है, मतलब आप इधर इसको डायरेक्ट जो है वो कार्ड लगा सकते हैं। इसके साथ ये कार्ड भेजा, छोटा माइक्रो कार्ड है, 256 GB का, 256 GB कार्ड है। इसमें लग के आप कंप्यूटर वगैरह में अपना जो है वो डाटा कॉपी कर सकते हैं। और उसके साथ भेजा ये छोटा सा एक टूल बॉक्स, इसके अंदर जो है ना उसकी मतलब के जो स्क्रीन्स वगैरह होगी ना उसके सारे प्रोटेक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो वो आप मतलब लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आ गई थी हमारा कैमरा, ये बताना। तो ये देखें जी, बाहर से डिब्बे की लुक, लुक से तो बहुत मज़े का लग रहा है। अब इसको ओपन करते हैं प्यार के साथ,
इतने प्यार से कोई चीज़ मैंने ओपन नहीं की जितने प्यार से आगे पता। इवन ये सब महंगी चीज़ें भी नहीं हैं, मतलब कि जिस तरह ये 13 प्रो मैक्स लिया मैंने, उसको भी इतने मतलब प्यार से मैंने ओपन नहीं किया जितने प्यार से इसको पता। तो ये इसका डब्बा, आप डिब्बे को करते हैं साइड पर। ये आ गया जी मेन बॉक्स, इसके अंदर है हमारा मेन चीज़, ये चीज़। अच्छा जी, ये इसके साथ उन्होंने भेजे हैं इसके जनाब कॉपीज वगैरह, जिसके ऊपर सारी डिटेल्स होंगी कि इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं काफ़ी लैंग्वेज में। आई थिंक ये है इंग्लिश, फ्रांस फ्रेंच में है, डच में है, इटालियन में, पता नहीं कौन सी भाषा में। तो इसको रखते हैं इधर साइड पर, जब जरूरत पड़ेगी फिर देखेंगे। ये जनाब इसकी आई थिंक चार्जिंग केबल है, पहले आपको ये दिखाता हूँ मेन। ये देखें, ये है हमारा मेन कैमरा GoPro 10 Hero में, ब्लैक में, पता नहीं क्या नाम, पूरा नाम बड़ा लंबा है इसका। तो प्यार से पहले आपको मैं इसकी जो दिखाऊँ, ये देखें इस साइड पर भी स्क्रीन है इसकी, और बैक पे भी इसकी जो है ना वो स्क्रीन दी हुई है। तो दोनों साइडों पे इसकी स्क्रीन है, ये इसका कैमरा है, ठीक है। मतलब कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह ब्लॉगिंग कर भी रहे होंगे तो साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि आप जो मतलब कि जिस तरह सही मतलब कि बकायदा तौर पर आपकी पिक्चर उसमें आ रही है, आपका जो एंगल है हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही, तो उसके लिए आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी इसकी 5.3K, ठीक है जी, 5.3K है, जो कि अभी नॉर्मली मेरा ख्याल है 80% डिवाइसेज में आई नहीं है, जो मोबाइल डिवाइसेज की बात कर रहा हूँ। तो फोन में नॉर्मली 4K तक चल रही हैं अभी। सफाई की तरफ प्रेस करना है ऐसे करके ये, और उसके बाद नेक्स्ट इस चीज़ को इस तरह से खोल देना है। बिल्कुल देखें, मैंने परफेक्ट खोला है। और अभी उसके अंदर दो बैटरीज थी, तीसरी बैटरी यहाँ पे भी एक साथ भेजी है यहाँ पे। ये देखें बैटरी के लग, ये देखें इसकी चार्जिंग, बिल्कुल ये मैंने आपसे बोला था कि चार्जिंग केबल, तो ये इसकी चार्जिंग की ही केबल है। तो ये चार्जिंग केबल, ये साथ में इसका कोई स्टैंड ही है आई थिंक, तो इसको आई थिंक आप बैक साइड पे इसके कहीं लगा सकते हैं, कहाँ पे लगा के इसको चिपकाना, क्योंकि ये है इसका स्टैंड ही। देख लेते हैं बाद में क्या चीज़ है, इसके साथ स्टैंड वगैरह भेजें कुछ होता है। तो इसको करते हैं अभी बंद, इस तरह इसको खोला था वैसे इसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद इसको करेंगे ऑन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैटरी लो है आई थिंक इसकी, क्योंकि अभी जो है वो मैंने स्टार्ट किया। ये देखें आप इधर से चेक करें इसकी लुक, और बैक साइड पे ये देखें ब्लैक 10 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अभी ये जो है मुझे वो उसके ऊपर ऑन करना पड़ेगा, और जो अपनी ऐप उसके ऊपर करके वहाँ से इसकी सेटिंग्स जो कंप्लीट करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ये आगे चलेगा। इसको रखते हैं अभी इधर साइड पे, यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से, ये इसके अंदर एक स्टैंड ये भी भेजा है इन्होंने, ठीक है जी, ये भी स्टैंड है। अब ये किस जगह पे लगता है अभी मुझे तो नहीं पता, तो वक्त के साथ साथ ये पता चलेगा, या उसके अंदर वो चीज़ें अगर हूँ तो वहाँ से पता चलेगा ये स्टैंड था इसके साथ साथ होता है। इसके अलावा हुक है, तो बस ये चीज़ें थी सारी ओवरऑल। ये इसमें मतलब कि इसका मेमोरी कार्ड भेजा है इन्होंने, और ये देखें जी ये सारा सामान जो है ना, ये अभी जो ये डब्बे शब्बे हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये नीचे ऊपर देखें हर तरफ, इधर 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 ये सब कुछ। ये देखें जी ये हमारा हीरो 10। तो ये था आज का जो है मेरा व्लॉग, और ये है हमारा कैमरा जो मैंने लिया था। तो अभी मैं इसकी करूँगा सेटिंग। तो आज की इस वीडियो को जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरा हीरो 10 भी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो इसको जो लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।